आप उस वक्त को याद कीजिए जब राइट ब्रदर्स बंधु ने कहा था कि हम ऐसा कोई चीज बनाएंगे जो आकाश में उड़ेगी, हवाई जहाज। तो सो लोगों को लगा था कि पागलपंथी की बात है। उसी टाइम मैंने भी सरकारी विद्यालय जैसी चीजों में भी ये इसी चीज को कहा था कि मैं कंप्यूटर से बच्चों को पढ़ाना चाहूंगा। तो वहां पर ये आया कि जिन बच्चों को कहते हिंदी नहीं बोलना आ रहा, राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं, उन बच्चों से आप कंप्यूटर में कैसे पढ़ाएंगे, कंप्यूटर से क्या बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोशाला फाउंडेशन के डिजिटल टीचर की कहानी के तीसरे एपिसोड में मैं अमर चिगले आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम मिलने वाले हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरमोड़ा जयपुर में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत आदरणीय जयराम जी सर से। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा एवं पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रही है वो थोड़ी सी कैसे रही है, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि में पिताजी तो मजदूर हैं और माताजी गृहिणी, हम चार भाई बहन, उन चार भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं ही था। और प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक तो वैसे निजी स्कूल में की थी मैंने, उसके बाद पारिवारिक आर्थिक तंगी के कारण हमारी जो पढ़ाई हुई वो सरकारी स्कूल में हुई। 6 से लेके 10 तक पास की स्कूल थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा स्कीम से, और 11-12 मैंने हरमाड़ा स्कूल से ही किया है जिसमें मेरी पोस्टिंग है अभी, उसी स्कूल से मैंने 11th और 12th किया था। BSc मैंने जयपुर के सुबोध कॉलेज से किया है और MSc मैं मैथ से भी हूँ, फिजिक्स से भी हूँ। मैथ से MSc मैंने RU राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है और फिजिक्स से मैंने निम्स यूनिवर्सिटी से ये अपनी शिक्षा पूरी की है। और BEd यहाँ श्री माधोपुर स्कूल है महात्मा गांधी, वहां से मैंने BEd किया है और यही शिक्षा है मेरी। टेक्निकल में कोई मैंने वैसी डिग्री हासिल नहीं की है, केवल एक RSCIT है, वही डिग्री है मेरे पास। टेक्निकल मैंने और कोई हासिल नहीं की है कंप्यूटर के क्षेत्र में। और सर, बच्चों को पढ़ाने में आपने तकनीकी चीजों का इस्तेमाल तो शुरू किया, लेकिन वो शुरू करते समय उसके पीछे के उद्देश्य क्या रहे थे? बच्चों को तकनीकी पढ़ाने के पीछे उद्देश्य यह था कि आपने जो एक बार मेहनत कर ली उसी मेहनत को बार बार ना करना पड़े, एक बार पढ़ी हुई चीज बच्चों को बहुत अच्छी तरह आसानी से समझ में आ जाए। तकनीकी के माध्यम से जैसे मान लो हमने पूरी कैपेसिटी लगा ली, 1 घंटे का अगर मैंने वीडियो लेक्चर बना लिया और पूरी मेहनत मैंने कर ली, तो वो 1 घंटे का वीडियो मेरे कहते 50 घंटे तक भी चलाओ, 100 घंटे चलाओ, 1000 घंटे चलाओ, वो बार बार मिलेगी, मुझे बार बार कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही जो तकनीकी है काफी इंटरेस्टिंग है, आपने देखा होगा कि बच्चे आजकल कार्टून चैनल को आप दिन भर लगा दीजिए, बच्चे पूरे दिन भर उस कार्टून चैनल को देखते रहेंगे, या फिर आप कोई मूवी लगा दीजिए तो मूवी दिन भर बिठा दीजिए बच्चे को बैठ जाएगा। तो बच्चे देखने में ज्यादा विश्वास करते हैं बजाय लेक्चरर देते हैं। तो उसको जिस तरह आप मतलब ये माने कि जैसे सब्जी खाते हैं, पर सब्जी में अगर हम मसाले का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है, तो भूख से भी ज्यादा हम उस चीज को खा लेते हैं। सेम शिक्षा के क्षेत्र में भी यही है मेरा मानना कि तकनीकी एक तरह से मसाले का काम कर रही है, आप तकनीकी का प्रयोग कीजिए तो उससे क्या है और ज्यादा उस शिक्षा जो हम देना चाहते हैं वो स्वादिष्ट हो जाते हैं, तो सामने वाला बच्चा जिज्ञासावश उसको ग्रहण कर लेता है और जल्दी उसमें लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से मैंने तकनीकी को शिक्षा के क्षेत्र में काम में लिया था। सर, जब आपने पहली बार शिक्षा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया था तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं भी आई होगी, वो ऐसी समस्याएं क्या थी? बिल्कुल सर, जब पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो आप ये मानिए कि सबसे बड़ी समस्या ये था कि साथी जो शिक्षक गण थे वही मेरे सामने समस्या उत्पन्न हो गए थे। आप उस वक्त को याद कीजिए जब राइट ब्रदर्स बंधु ने कहा था कि हम ऐसा कोई चीज बनाएंगे जो आकाश में उड़ेगी, हवाई जहाज। तो सो लोगों को लगा था कि पागलपंथी की बात है। उसी टाइम मैंने भी सरकारी विद्यालय जैसी चीजों में भी ये इसी चीज को कहा था कि मैं कंप्यूटर से बच्चों को पढ़ाना चाहूंगा। तो वहां पर ये आया कि जिन बच्चों को कहते हिंदी नहीं बोलना आ रहा, राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं, उन बच्चों से आप कंप्यूटर में कैसे पढ़ाएंगे, कंप्यूटर से क्या बताएंगे। तो उस चक्कर से साथी शिक्षकगण या और भी कई बच्चे थे उनको जरा अजीब सा लग रहा था कि आखिर कंप्यूटर से कैसे पढ़ाएंगे। डीमेरिट्स ज्यादा खोज रहे थे वो तकनीकी का, जिसके डीमेरिट्स बहुत ज्यादा हैं, आप सरकारी स्कूल में लाइट का दुरुपयोग करेंगे, जबरदस्ती फालतू का विद्युत का व्यय हो जाएगा, बच्चों को ले जाना लैब में लाना, ये चीजें काफी उस वक्त थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उस कंटेंट को तैयार करके उनके सामने रखा, टीचर्स के सामने भी रखा, बच्चों के सामने भी रखा, तो धीरे धीरे उन लोगों का सपोर्ट भी मिलने लगा और कई टीचर्स ऐसे थे जो ये चाहते थे कि आप हमें भी बताएं ये टेक्निक कैसे करते हैं। और हम अदर अदर सब्जेक्ट में, यहाँ तक कि संस्कृत वाले सर
हिंदी वाले सर ने भी पूछा कि हम भी अगर हिंदी और संस्कृत इस टेक्निक से पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं क्या, कोई उपाय है क्या आपके पास? तो उनको भी मैंने ये चीज बताया कि तकनीकी को हम कर सकते हैं। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि आप पूरी शिक्षा तकनीकी से दें, लेकिन आप जो भी शिक्षा दे रहे हैं उसमें तकनीकी का प्रयोग जरूर करें। ये बाकायदा आपके अंदर तड़के का काम करेगा, आपने ऑफलाइन शिक्षा को और ज्यादा बढ़ावा दे देगा तकनीकी। ये मेरा उद्देश्य रहा था और बच्चे काफी प्रोत्साहित भी हुए थे और इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा लिया था। यहाँ तक ये बात थी कि अगर कोई क्लास कालांश खाली भी चल जाए तो बच्चे बार बार डिमांड यही करते थे कि सर हमें कंप्यूटर लैब में ले चलो, हम वहां पढ़ेंगे। इस तरह मैंने प्रयोग किया था। सर आज तक आपने ऐसी कौन सी चीजें हैं, तकनीकी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाने के लिए किया है? सर सभी चीजें बताना बहुत मुश्किल होगा, काफी चीजें हैं। मैंने उस जमाने में कंप्यूटर को यूज कर लिया था जब आपने ध्यान दिया होगा डोस आया करता था, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, किसी डायरेक्टिव खोलने के लिए डोस का यूज किया करते थे, हम कमांड दिया करते थे। उस जमाने में मैंने कंप्यूटर को यूज किया था। उस टाइम फ्लॉपी, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव और डीवीडी, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अब तो फिर भी कहते हैं तकनीक बहुत आसान हो चुकी है, बिल्कुल आसानी से हम यूज कर सकते हैं। कई ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, हम सरकारी शिक्षक रह गए और हम ये चाहते हैं कि बच्चों को या शिक्षक को जो भी कोई टेक्निक बताएं वो ओपन सोर्स हो, जिसमें क्या था अनावश्यक किसी भी प्रकार का बजट खर्च नहीं हो। तो बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स हैं जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं। गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली सारे अच्छे हैं, उनको प्रयोग में लाए जा रहे हैं। H5P एक ओपन सोर्स है प्लेटफॉर्म, इसमें बहुत अच्छे कंटेंट्स बनते हैं, उसमें बहुत सारे कंटेंट्स बनाए। और फिर अभी अपनी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजना है आपकी ये दीक्षा पोर्टल, दीक्षा पोर्टल में बहुत सारे कंटेंट हैं। ये मेरा सौभाग्य था कि राजस्थान में जब दीक्षा पोर्टल पहली बार आया तो उसके कहते हैं हम लोगों ने काम किया और राजस्थान में पहली बार मैं और हमारी टीम बहुत दीक्षा पोर्टल पर काम किए। कक्षा 10 जो राजस्थान में अपने बुक चल रही है उसमें 60% कंटेंट मेरे ही लगे हुए हैं QR कोड के माध्यम से, जो राजस्थान के सभी बच्चों तक जा रही है। और राजस्थान के सभी शिक्षकों ने इसकी सराहना भी की है कि बहुत अच्छे कंटेंट है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आज तो राजस्थान में कहते हैं हर शिक्षक इस चीज को जान रहा है, क्योंकि राजस्थान सरकार जो ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रही है दीक्षा के माध्यम से करा रही है। उसमें भी मैं दीक्षा में भी काम कर रहा हूँ, दीक्षा के अंदर मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, कंटेंट रिव्यूअर भी हूँ और मॉनिटरिंग का काम भी है। तो काफी अच्छा है टेक्निक। सर और आप अपनी स्वयं की टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करते हो आजकल? खुद के टेक्निकल के लिए सबसे अच्छा साधन मेरे लिए यूट्यूब है। YouTube में बहुत सारे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए फ्रेंड्स सर्कल से या फिर बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे चीजें को सिखाते हैं, तो उनको सीख के और उसको अपने बच्चों के अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत सारे वहाँ पे टेक्निक्स टूल्स वगैरह आते हैं कि आप ऑनलाइन ऐसे पढ़ाएं वैसे पढ़ाएं, तो उनको जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है, किसी भी सॉफ्टवेयर में कहीं भी दिक्कत आती है, तो मैं यूट्यूब पे जाके उनके बारे में जो भी उनके गाइड्स वगैरह हैं वो बता रहे होते हैं उनको वो बताते हैं, तो एक बेसिक नॉलेज मिल जाता है। और आपको पता है कि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो उसका आपको केवल बेसिक नॉलेज चाहिए, बाकी आगे तक तो आप खुद ही पहुंच जाएंगे। उसके बाद बेसिक नॉलेज मिलने के बाद सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ जानकारी खुद ही अपने स्तर पे खोज के प्रयोग करके प्राप्त कर लेता हूं। और सर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब आप लोग पढ़ाते हैं तो एक छात्र को उससे क्या क्या मदद मिलती है? जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से छात्र को पढ़ाते हैं सबसे पहले तो मदद ये मिलता है कि छात्र इस बात के लिए तैयार होता है कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि अपने पास शिक्षक के सामने आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि छात्र इस बात के लिए तैयार होगा उसे पढ़ना है। तो छात्र उत्साहित होता है कि आज टेक्नोलॉजी में नया क्या प्रयोग करेंगे सर, या उसके अंदर नया क्या आएगा। तो सबसे पहले वो छात्र अग्रसर है कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो वो जिज्ञासा उसके अंदर है कि नया क्या आएगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी जब हम यूज करते हैं तो हम क्लासरूम में कैसा भी पढ़ाने चल जाएगा, लेकिन हम टेक्नोलॉजी से अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि मान लो हमारी कोई वीडियो यूट्यूब पे रखे जाए या किसी प्लेटफॉर्म पे रखे जाए तो हमारे विषय विशेषज्ञ भी ही उसको देखेंगे, तो वो क्लास की तुलना में बहुत अच्छे होते हैं। क्वालिटीज के वीडियोज भी बनाते हैं, कंटेंट भी क्या होता है क्वालिटीज के बनाने होते हैं, तो उसमें सारी विधा काम में ली जाती है। साथ ही जब हम टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं तो हम इस प्रकार की विधा काम में लेते हैं कि वो जो हमारे कंटेंट हैं इंटेलिजेंट बच्चे के लिए भी लाभदायक हो, तो सबसे पीछे बैठे हुए बच्चे के लिए भी लाभदायक हो। और सबसे बड़ा फायदा मैं बताऊं सर टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये है कि हर बच्चा ये मानता है कि मैं अगली ही सीट पे बैठा हूं। फर्स्ट वेंचर है, लास्ट वेंचर नहीं है टेक्नोलॉजी में, लास्ट वेंचर एक भी बच्चा नहीं है, सब फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है
जो लास्ट वेंचर होता है तो उसको फिर भी ये लगता है कि क्लासरूम में बोर्ड में उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है कि उसको फर्स्ट बेंच पे लाके बिठा देता है। सर आपने ये भी बताया कि आपने दीक्षा पोर्टल के साथ भी काम किया है, तो हम आपके दीक्षा पोर्टल के साथ के जो अनुभव है उसके बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल सर, दीक्षा पोर्टल जब स्टार्टिंग में राजस्थान में आई थी, एक बार हमें भी लगा था कि दीक्षा पोर्टल शायद हमारे राजस्थान के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो QR कोड की बात किया करते थे। जब धीरे धीरे उसके बारे में रिसर्च किया तब पता चला कि वास्तव में दीक्षा पोर्टल बहुत अच्छी चीज है। इसमें पूरे मतलब इंडिया के शिक्षक आपस में जुड़े हुए हैं, हमारे राजस्थान में सारे टीचर जुड़े हुए हैं, कोई भी टीचर्स अपने कंटेंट बना के उनको दे सकता है। तो दीक्षा पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टेक्निकल टीचर्स हैं, डिजिटल टीचर्स हैं, अपना प्लेटफॉर्म है डिजिटल टीचर्स हैं, जो डिजिटल टीचर्स हैं जो छुपे हुए हैं, छुपे रुस्तम है उनको नहीं है, वो दीक्षा पोर्टल के माध्यम से अपने कंटेंट देके रिव्यूअर के माध्यम से उसको पब्लिश करा के बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। आज राजस्थान में दीक्षा पोर्टल की बात करें तो आप इसका रिकॉर्ड देखेंगे, पूरे इंडिया में दीक्षा पोर्टल को यूज करने वाले यूजर्स और यूज करने वाले की संख्या सबसे ज्यादा राजस्थान की है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की थी, हमने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया और राजस्थान प्रथम स्थान पे है। राजस्थान में दीक्षा पोर्टल में कक्षा 1 से 5 और कक्षा 9 से 12 को पढ़ाने वाले जो शिक्षक है उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है दीक्षा पोर्टल के माध्यम से। ये मेरा सौभाग्य है कि 1 से 5 और 9 से 12 के जो भी कंटेंट्स बन रहे हैं उसमें कंटेंट क्रिएटर में, रिव्यूअर में, उनमें हमारी टीम में हमें साथ हूँ, उनको देख रहे हैं। एक टाइम ऐसा था दीक्षा को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज दीक्षा को पूरा राजस्थान और पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, भविष्य इसका बहुत ही अच्छा है और इसके अंदर जो कंटेंट बनाने के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत आसान है, ये फ्रेंडली यूजर से ही है। एक आम शिक्षक भी चाहे ना कि मैं इसको यूज करूं, मेरे को टेक्निकल नॉलेज ज्यादा नहीं है, तो भी वो दीक्षा पोर्टल पे आराम से अपने कंटेंट्स को तैयार करके दे सकते हैं। और सर शिक्षा के क्षेत्र तकनीकी के इस्तेमाल के लिए आपने कार्य भी किया है, तो उसमें विशेष उपलब्धियां आपने कुछ हासिल भी की होगी, तो क्या रही आपकी? जी सर, तकनीकी क्षेत्र शिक्षा के तकनीकी में मैंने मोबाइल ऐप मैंने बनाए भी हैं और जो तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षक साथी हैं उनको मोबाइल ऐप बनाना सिखाए भी है। कुछ मेरे शिक्षक साथी जो मुझसे सीख चुके हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया इस मोबाइल ऐप का। अभी मैं इसी मंच पे नाम लेना चाहूंगा, प्रहलाद नागर जी हैं जो इस वर्ष राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हैं, उनकी भी जिज्ञासा बहुत अच्छी थी कि ऐप कैसे बनाया जाता है, और मैंने उनको ऐप बनाना सिखाया भी था। NCERT अजमेर में सभी प्रतिभागों को ऐप बनाना भी सिखाया था, उन लोगों ने बहुत अच्छे ऐप बनाए हैं। NCERT जो अपने अजमेर की है उनका भी ऐप डेवलप करने में मैंने सहायता दी है उनको, और भुवनेश्वर NCERT भुवनेश्वर की एक ऐप तैयार हुई है जिसमें मैंने कहते हैं काफी टेक्निक के मामले में आनंद सर हैं, उनको मैंने हेल्प की थी। और तकनीकी में दीक्षा पोर्टल पे जब 2018 में सबसे पहले काम किया था, एक अभूतपूर्व कार्य था, क्योंकि हमारे शिक्षा अधिकारियों का मानना था प्रारंभ में कि शिक्षकों के द्वारा ये काम नहीं हो सकता, इसलिए वो प्राइवेट फर्म से काम करवाना चाहते थे, लेकिन मैं और हमारी टीम ने कहा था ये कार्य हम शिक्षक राजस्थान के कर देंगे। और हम लोगों ने स्वयं के साधन से, राज्य सरकार से हमने कोई हेल्प नहीं ली, कंप्यूटर हमारा था, लैपटॉप हमारा था, जो भी सॉफ्टवेयर हमें यूज करने थे, मान लो आप कहते हैं वॉइस सही करना हो तो Audacity यूज करना है, या हमें कहते हैं ओपन सोर्स यूज करना है, हमें फिल्म जो वीडियोज हैं उनको सही करने के लिए H5 यूज करना है, नेट यूज करना है, वो सब हमने खुद ने ही यूज किया था। इससे प्रेरित होके शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव तत्कालीन नरेश पाल गंगवार जी द्वारा 15 अगस्त को हम सभी को सम्मानित किया गया, तो वो सम्मान भी मुझे प्राप्त हुआ। तकनीकी को प्रयोग करने में जो अभी अपनी नई शिक्षा नीति आई हुई है उसमें मेरे को उत्तरी भारत लेवल पर जो सेमिनार हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहां भी मैंने गणित विषय को, तकनीकी विषय को लेकर कहते हैं अपना व्याख्यान दिया था। मैं नई शिक्षा नीति में ग्राम स्तर से लेकर उत्तरी भारत लेवल तक पार्टिसिपेट कर चुका हूं, और इसी का मुझे खुशी है। जब नई शिक्षा नीति आई उसमें यह कहा गया कि कक्षा 6 से हम बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे, बहुत खुशी हुई कि जिस तथ्य को लेकर मैं आगे बढ़ा था आज वो मेरा साकार हो गया। तो कक्षा 6 के बच्चे अगर कोडिंग सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और तकनीकी आज के बच्चों को आनी चाहिए। और मैं इसी मन से शिक्षकों को भी संदेश दूंगा कि आप सोचिए जब कक्षा 6 के बच्चों को कोडिंग आएगी तो हमें भी वो चीज आना चाहिए, हमें भी अपने बच्चों को सिखाने के लिए आना चाहिए, क्योंकि आज के युग में अगर किसी को तकनीकी का प्रयोग नहीं आता है तो वो एक तरह से असाक्षर ही है, क्योंकि समस्त कार्य आज तकनीकी के माध्यम से ही हो रहे हैं। जरूर सर, जैसे कि आपने संदेश के बारे में बताया तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल वही था कि आप अपने जो शिक्षक साथी हैं
आप स्वयं भी टेक्निक आप अपने जो शिक्षक साथी है उनको आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी की जो नकारात्मक बातें हैं उनको दूर करें। कईयों ने इसको नकारात्मकता फैला रखी है कि सभी बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो आप कहते तकनीकी से कहते आप देना चाहते हैं तो वहाँ संसाधन नहीं है। मेरा ये कहना है कि सभी के पास तो नहीं है मोबाइल, कोई बात नहीं, 100% के पास नहीं है, लगभग 70%। अभी रिसर्च आया था जिसमें ये कहा गया कि 70% बालकों के पास मोबाइल है, 70% जो विद्यार्थी है उनके पास मोबाइल है। जब एक 70% दशक अपने पास है उनके पास मोबाइल है तो उनको कहते शिक्षा देने में कहाँ दिक्कत आ रही है। हमें तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तकनीक का प्रयोग करें। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि सारी शिक्षा आप तकनीकी के माध्यम से दे सकते हैं, दे भी सकते हैं। आजकल नई तकनीकी आ गई, आप वर्चुअल क्लासरूम आ गई आपके पास, गूगल मीट से भी आप बातचीत कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम है जिसमें आप अटेंडेंस दे सकते हैं। आप एक शिक्षक ने मुझे तकनीकी के बारे में पूछा था, सर जितनी भी प्लेटफॉर्म्स आए हैं उसमें आपने अपने बच्चों के असाइनमेंट्स है वो ऑब्जेक्टिव चेक कर सकते हैं, बाकी क्या फायदा है। तो उनको भी एसी मंच के माध्यम से ऐसे कई शिक्षक हैं जो मेरे गणित से ही रिलेटेड है। गणित में जो मार्किंग की जाती है वो स्टेप बाई स्टेप होती है, तो उनके लिए भी एक बहुत सारे टेक्निक आ गए ओपन सोर्स में। आपका math.org आ गया, freemath.org, जो आपको स्टेप बाई स्टेप मार्क्स देने के लिए कहता है। आप स्टेप बाई स्टेप से मार्क्स दीजिए तो आपकी समय की भी बचत हो जाती है और बच्चे भी जुड़े रहते हैं। सबसे प्लस पॉइंट बात यह है कि आप क्लासरूम में जो शिक्षा दे रहे हैं उसके लिए तो आप बाउंडेड है, आप आएंगे तभी दे पाएंगे, बच्चा आएगा तभी दे पाएगा। लेकिन तकनीकी के रूप से जैसे शिक्षा दे रहे हैं, आप नहीं आते हैं, आप किसी अन्य कार्य में भी व्यस्त हैं, तो कोई भी उसको वीडियोस को चला के दिखा सकता है, बच्चे उसके माध्यम से भी ले सकते हैं। कक्षा कक्ष में जो चीज बच्चों को समझ में नहीं आई उसके बारे में वो ज्ञान घर पे जाके कभी भी बैठ के ले सकते हैं। हो सकता है कक्षा में पढ़ाने के दौरान बच्चे का ध्यान कहीं और भटक गया हो, लेकिन तकनीकी के माध्यम से दी गई शिक्षा को दोबारा पुनः सुन सकता है, दोबारा देख सकता है कि भाई हम कहाँ अटक गए थे, क्या दिक्कत है। तो एक तरह से यूं कहा जाए कि तकनीकी शिक्षा का प्रयोग करके 24/7 को आप यूज कर सकते हैं। 24 घंटे शिक्षा उनको दे रहे हैं, सातों दिन शिक्षा दे रहे हैं, ना कोई छुट्टी ना कोई, तो जब बच्चा जब फ्री है। यानी मेरा मायना यह है तकनीकी से दी गई शिक्षा स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है बच्चे को, बच्चा स्वतंत्र है और जिज्ञासु तो हो ही रहा है, जागरूक हो रहा है। बस अगर हमें जरूरत है तो तकनीकी के रूप में शिक्षकों को जागरूक करने की आवश्यकता है और तकनीकी से शिक्षकों को शिक्षित करना जरूरी है। एक ऐसा मुहिम चलाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे शिक्षकों को तकनीकी शिक्षा दी जा सके, शिक्षक तकनीकी शिक्षा में आए। और यहाँ तक कि मैं तो राज्य सरकार शिक्षा विभाग को ये भी कहूंगा कि आप कंपलसरी कर देंगे तकनीकी शिक्षा तो होनी चाहिए सबकी। बिल्कुल सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हम आप यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे पधारे। आज के इस एपिसोड में हमने श्री जयराम सर से उनकी टेक्नोलॉजी की शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल की कहानी सुनी। आपको यह कहानी कैसे लगी? पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ऐसी कहानी देखने के लिए टेक्नोशाला फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास भी शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ऐसी कोई कहानी है तो हमें जरूर बताइए, और इसके लिए हमारा ईमेल का संपर्क भी आपको नीचे मिल जाएगा। मिलते रहिए अगले शनिवार दोपहर को 2 बजे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।